आज का वीडियो मैं उन एक्टर्स के लिए बना रहा हूँ जो ऑफिसेज में आते हैं और अपने साथ एक झोला एक बैग लेकर आते हैं जिसमें उनकी पानी की बॉटल, डायरी, मोबाइल और ना जाने क्या क्या होता है। कभी भी अपने साथ एक्सेस बैगेज लेकर मत चलिए। झोला देखते साथ आपकी पर्सनालिटी जो है वो झोला छाप हो जाती है और आपके अंदर का एक्टर और आपके अंदर का स्टार जो है वो कम हो जाता है। दो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, एक तो हमारा जो पहनावा है, हमारी जो हेयर स्टाइल है, हमारा पसीना है, हमारे बदन से आने वाली खुशबू या बदबू, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। ये बड़ी ही मिडिल क्लास और बड़ी ही क्लैरिकल अप्रोच होती है। हम जहाँ मिलने जा रहे हैं वहाँ पर हम एक एक्टर की हैसियत से साफ़ सुथरे हाइजीनिक जाएँ तो ज़्यादा बेटर हमारा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, अपने साथ अपने रूम पार्टनर्स को ले जाते हैं, अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को रिकमेंड कर देते हैं या अपने बॉयफ्रेंड को रिकमेंड कर देते हैं। मैंने अगर आपको बुलाया है तो मैंने आपको बुलाया है, आपके साथ मैंने आपके रूम पार्टनर्स को नहीं बुलाया है। तीसरी बड़ी मिस्टेक, बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस आते हैं। नहीं, जब कास्टिंग होती है, मैं आपको कास्टिंग की एक छोटी सी सिंपल सी मेथड बताता हूँ। जब पोस्ट डलती है कास्टिंग की, तब आप उसमें जो ईमेल आईडी लिखा है आप उसमें अप्रोच कीजिए, ना कि इंस्टाग्राम में, ना कि व्हाट्सएप पे, ना कि फेसबुक पर। कोई उसे रजिस्टर नहीं करेगा, कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, आपकी कास्टिंग वहीं माइनस हो जाएगी। आपको अपनी अप्रोच एक्टर्स को, अपनी अप्रोच डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए सुधारनी पड़ेगी। पहली बात तो क्या है, ये माथा जो है ना आपको खाली रखना है। बहुत सारे लोग जो अपने बाल सामने रखते हैं, बाल आपको पीछे रखने हैं ताकि आपका चेहरा स्पष्ट क्लैरिटी के साथ नजर आए। आईज़ में किसी चीज़ की शेडो ना पड़े ताकि आपकी आईज़ जो है वो एक्सप्रेसिव और ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आए। एक झोला लेकर नहीं चलना है, दो स्प्रे मार के चलिए, खुशबू अच्छी आनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी जैसे ही आप ऑफिस में घुसें देखकर अच्छा लगना चाहिए। देखिए, सिनेमा अंततः एंटरटेनमेंट और ग्लैमर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हमारे पास संघर्ष के समय पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, मगर अच्छा दिखने से किसने रोका है आपको, अच्छे तरीके से जाने से किसने रोका आपको? आपकी लैंग्वेज, आपकी बोलने की स्टाइल, आपकी बैठने की स्टाइल, आप कैसे आए हैं, हर चीज़ पर डायरेक्टर का, कास्टिंग वालों का ध्यान होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि पासपोर्ट की फ़ोटो से कास्टिंग हो जाती है, उनकी पिक्चर, उनका करियर पासपोर्ट साइज़ का ही रहता है। आपको अगर स्टार बनना है, अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको अपना इम्प्रेशन अच्छा मारना है, तो ये बैग रखना छोड़ दीजिए, अपने साथ एक्सेस बैगेज ले जाना छोड़ दीजिए। रोज़ हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश ये पढ़िए, लिखिए और ज़ोर ज़ोर से बोलिए। मैक्सिमम टाइम लोगों का अगर ऑडिशन नहीं होता है तो उन लोगों को लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। हम हिंदी सिनेमा में हैं तो हिंदी बोलना पढ़ना आना ही चाहिए, रोमन में नहीं। अगर आपको रोमन और अगर आप वो शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आपको बात समझानी पड़ रही, तो आप एक्टर अच्छे नहीं बन पाएंगे, आप इफेक्टिव एक्टर नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस भेज रहे होते हैं, मैंने ईमेल भेजी है, प्लीज़ चेक कर लेना। अरे, ईमेल भेजिए तो क्रिएटिव टीम जो है वो सर्च कर लेगी। यहीं से आप अपना इम्प्रेशन और अपने चांसेस कम करना शुरू कर चुके होते हैं। मैं नेपोटिज्म बिलीव नहीं करता, मैं दोस्ती यारी बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है जो टैलेंटेड है, जो मेहनती है, जो टाइमिंग का खेल, अभी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि मैं बाहर हूँ और मैं दिल्ली से आकर बात करूँगा या करूँगी, या बहुत सारे लोग जिनको मेरी टीम ने अप्रोच किया है जिन्हें बॉदर ही नहीं हुआ है कि वो फ़ोन करें, मैसेज करें, तो आपके हाथ से वो रोल चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे और पैशनेट लोग हैं जो कर्म भूमि में हैं, काम छीन रहे हैं, काम मांग रहे हैं, मगर अप्रोच का तरीका सही होना चाहिए। कम एंड मीट लाइक एन एक्टर, ये वर्ड हटा दीजिए, स्ट्रगलर वर्ड हटा दीजिए, स्ट्रगलर शब्द और स्ट्रगलर का जो आपका पहनावा और आपकी जो पहरन है ना उसको एकदम हटा दीजिए। आपका जो रूप है आप स्ट्रगलर की तरह ना दिखें और आप एक्टर की तरह दिखें, खुश वाइब्रेंट एनर्जी लेकर आइए, आपका काम 90% बन जाएगा। एक्सेस बैगेज अपने साथ मत लेकर आइए, किसी और को रिकमेंड मत कीजिए। जिसको बुलाया गया है, जितने टाइम पर बुलाया गया है, टाइम पर आइए, भले 5 मिनट पहले आ जाइए। जनरली क्रिएटिव मीटिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं। एग्जिट क्लॉज मत लेकर आइए, फ़ोन अपना साइलेंट पर रखिए। अब बताइए, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ हैं जो समझानी पड़ रही है एक फिल्म मेकर को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद आनी चाहिए। ये मैं इतनी बार इतने एक्टर्स को मेंशन कर चुका हूँ मगर लोग इम्प्रूव ही नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ लोगों को कि अपनी हेयर स्टाइल चेंज करो, अपने कपड़े, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, देखो आपके ऊपर लेयरिंग जमती है, सिंगल कलर जमता है, जैकेट जमता है, बाल ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं। अपने पर एक्सपेरिमेंट करो, फोटो खींचते रहो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वाला रूप मेरे, ये कलर मुझ पर ज़्यादा फिट हो रहा है, जैकेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसमें ज़्यादा मोटी लग रही हूँ या मोटा लग रहा हूँ, ये कलर जो है ब्लैक पहनता हूँ तो मैं ज़्यादा लीन लगता हूँ या लगती हूँ।
ऐसे करते करते एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे के गिव एंड टेक से एक दूसरे को निगेट किए बगैर, हाँ ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, जेन्युइनली बताते हुए फिर ऑफिस में जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैं इंटरेक्टिव हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ तो मैं एक्सेसिबल हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप ये गलत फहमी मत में मत रहिए, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मेरे ऑफिस में और मेरे घर में कहीं भी बिना अपॉइंटमेंट अगर आप आएंगे तो आपका स्वागत नहीं है। मैं जीवन में कभी आपके साथ जुड़ने नहीं वाला, आप कितने भी सॉरी बोल लीजिए। दूसरा, ईमेल आईडी जो दी जाती है वहीं आपको अप्रोच करना है, कहीं और अप्रोच नहीं करना है। मैं कोई कास्टिंग एजेंट नहीं रखता, कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं रखता, मैं डायरेक्ट कास्टिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के अंदर टैलेंट है और कई बार वो फिल्टर हो जाता है। मगर अपनी अप्रोच, अपनी स्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा स्टार की तरह आइए, थोड़ा महकिए, थोड़ा आपकी एनर्जी ऐसे लगे कि हाँ यार बात है इसमें। और आपकी लैंग्वेज सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, आपकी लैंग्वेज, जबान, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इस पर काम कीजिए। क्या है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम तो करना है। मैंने तो कितनी सारी एक्सरसाइज अपने यूट्यूब वीडियोस में बताई हैं कि पेट से आवाज़ कैसे निकाली जाती है, डॉग बार्किंग कैसे करते हैं, स्लर कैसे दूर करते हैं। आप लोगों को याद होगा इसका भी वीडियो बनाया है मैंने। बहुत सारे लोग जिम में इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, मुझे जो जानते हैं, जिन जिनको मैंने सिखाया है। तो दिक्कत क्या है, अच्छे तरीके से आने में दिक्कत क्या है, अच्छे तरीके से कपड़े पहनने में दिक्कत क्या है, पसीने में रुमाल लाल रंग का और बिल्कुल बास आते हुए मोजे उतारने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप जानते हैं हम जो स्टार किड्स को क्यों रिप्लेस नहीं कर पाते, स्टार किड्स क्यों स्टार बन जाते हैं? क्योंकि उन्हें पहनावा आता है, उन्हें स्टाइल आती है, उनकी दोस्ती सिनेमा से है, उनको पता है कि कैसे तैयार होना, कैसे जाना है। बहुत सारे लोग जो हैं बिस्तर में पलंग के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई शादी में खाना खाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, इससे आपको लगता है कास्टिंग होने वाली है? कभी नहीं होने वाली, आपको दो जूते पड़ने वाले हैं। आप अगर एक्टर हैं तो एक्टर की तरह एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट कीजिए। सिनेमा में ग्लैमर और रूप आकर्षण बहुत काम करता है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको आकर्षित दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिक्स पैक्स बनाने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। प्रेजेंटेबल, ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेबल आप दो ही तरीके से दिख सकते हैं, एक आपका पहनावा सही हो और दूसरा चेहरे पर एक्सप्रेशन सही हो। मेरी एनर्जी देखिए, मैं कोई मॉडल एक्टर नहीं हूँ मगर मेरी फोटोज अच्छी आती हैं क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं अपने आप को लगातार ग्रूम करता हूँ। तो ग्रूम शब्द को याद रखिए, आप अपने आप को ग्रूम कीजिए, कोई आपको बोलने आने नहीं वाला है, कोई सिखाने नहीं आने वाला है। मेरे पास पैसे अगर मैं किसी पर लगाऊंगा तो मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा कि मैं आपको अभी तैयार करूं, मैं आपकी वो वर्कशॉप लूं, मैं भी आपको ट्रेन करूं, मैं आपको बताऊं कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है। उतना आपको आना ही चाहिए। मैं अपनी वर्कशॉप जो लेता हूँ 7 से 10 दिन की, उसमें काफ़ी चीज़ें ट्रेन करता हूँ, मगर फिर भी लोग जैसे ही अपनी नॉर्मल रेगुलर लाइफ में आते हैं बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही झोला, फिर वही दोस्तों के साथ, फिर वही बाइक, फिर वही डस्ट लगी हुई, फिर इस बॉडी से अजीब सी ओडर आ रही है, जबान पे कंट्रोल नहीं है, ब्रीदिंग में कंट्रोल नहीं है। कई लोग जो हैं वो जिम कल्चर से बड़े दूर हैं, उनको लगता है जिम करने से हमारे वो हो जाएगा, बल्ले अजीब से हो जाएंगे। नहीं, आपको आकर्षण क्रिएट करना है, आपको फिटनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि कैमरा आपकी चोरी पकड़ लेगा। आप गंदे दिखते हैं तो आपको गंदा दिखाएगा, और आप अगर लीन हैं तो वो 25% आपको चौड़ा दिखाता है, तो आप चौड़े हैं तो और 25% चौड़ा दिखाएगा। तो आपको सिनेमा के लिए लीन रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिक्स पैक्स बनाने हैं, और मैं कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिनेमा एक्टिंग का, एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म है, आपको अपने शरीर से खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने एकदम सटीक आपको शरीर दिया, एकदम सटीक आपको बिल्ट दिया है, एकदम सटीक आपका फेस दिया है, नाक दी है, ठोड़ी दी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग करने की ज़रूरत है, रीडिंग की ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, फिर आप देखना सक्सेस कैसे मिलेगी आपको, फिर देखना आपके पास काम। आपको डायरेक्टर सामने सर्च करता हुआ आएगा कि यार ये इस बंदे में दम है, इस बंदी में दम है, चलो। एंड बी अलर्ट, जब पोस्ट आती है कास्टिंग की तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। एटीट्यूड मत दिखाओ, हम लोगों ने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया तो नमस्ते हो जाएगा। जय हिंद।